शो में परमानेंट है क्या? पंक की आइजलिंग में शायद गॉड अच्छा खेले। ओ शिट भाई, देखो बैंटर हो रहे बहुत भयंकर। आई मस्ट से जितने भी लोगों ने लिमरा को वोट किया और स्पॉर का क्या सीन है? स्पॉर का सीन दिख रहा है ना आपको कार्निवल में? मान्या आज खेलेगा ना जोकर बब्बे, आज का नहीं पता बट आगे तो खेलेगा, जैसे वो ठीक हो जाएगा तब खेलना स्टार्ट कर देगा। बाउंटी का क्या सीन है? बाउंटी टॉप फोर को लगनी थी जिसमें हम भी आ चुके हैं भाई, अब लोग हमें टारगेट करेंगे। और बाउंटी में शायद ऐसा सीन है ना कि अगर चारों पूरे मारोगे तभी तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे एक्स्ट्रा जो होते हैं, वरना नहीं मिलेंगे। तो अपने तीन मरती एक बंदा भाग जाएगा भाई, सबसे बेस्ट क्यों देना बाउंटी किसी को। सो हमें परमानेंट है क्या? हमने उसी विजन से लिया है भाई कि मतलब समझ रहे हो, अभी का नहीं सोचा है हमने, फ्यूचर का ही सोचा है हमने। वैसे पावर प्ले आज भी हो गया, पावर प्ले पूरे टूर्नामेंट चलेगा। सिड भाई के साथ क्या हुआ था गाइस, मैं इस पे नहीं बोलना चाहता कुछ, उन्होंने बोला और मैंने वो क्लिप किसी न्यूज चैनल पे देखी, मेरे टीममेट्स ने बोला कि भाई ऐसा बोला जा रहा है और सब छोटे हैं सब नहीं है, बुरा लगा उन्हें। तो उन्होंने मुझे दिखाया, थोड़ा सा आवाज कम कर कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और मैंने भी गुस्से में आके दो लाइनें बोल दी, वरना तो मैं सब इग्नोर ही मारता हूं, तो मैंने भी बोल दी और फिर जो भी था सॉर्ट हो गया मैटर। और अरे 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 स्पैम आ गया, चेक चेक क्वालिफाइड फॉर लीग स्टेज वोट फॉर ओ शिट सिस्टम। बट भाई ये क्या सीन है, ये तो सिस्टम पे सिस्टम बैठा दिया भाई। देखो बैंटर हो रहे बहुत भयंकर, समझ रहे हो तुम, बैंटर हो रहे बहुत भयंकर। आज तो चल रहा है पूरा सिस्टम, आज चल रहा है पूरा सिस्टम। ऑडियंस चॉइस, अरे आ गया क्या, आ गया आ गया आ गया, बोलने लगी। टीजेड को 31% वोट आए हैं, गॉडलाइक को 25% वोट, बाकी कितने वोट आए? गुजरात टाइगर्स को 21% आए ब्रो, डैम नाइस यार। लिमरा को 19% भाई, आई मस्ट से जितने भी लोगों ने वोट किया और 90 तक वोट किया है, रिस्पेक्ट टू एवरी, बिकॉज तुम प्रॉपर ई स्पोर्ट्स फैन हो, तुम्हें भी मेरे जैसे, सो रिस्पेक्ट टू एवरी एवरी गुड। कल जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर मान लो एक इम्पैक्ट प्लेयर, बाउंटी वाले सिस्टम भी अगर लागू है, सोचो इम्पैक्ट प्लेयर के साथ साथ, तो वो इम्पैक्ट प्लेयर गया जिस टीम पे बाउंटी लगी हुई है उनको खत्म करा, ठीक है, तो चार प्लेयर्स थे वो, ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर ने उसको खत्म करा है तो पॉइंट उसके कितने मिले, 8। अब यहां से देखने एक और, बाउंटी वाली टीम को खत्म करा है, ठीक है, बाउंटी वाली को मारा उसने, उस बंदे ने, सपोज अगर एक हुआ, पहले भी आपको बता चुका हूं मैं, उसको मारा 10, बट आपको पता ही है कि भाई अगर इम्पैक्ट प्लेयर ने पावर प्ले में मारा है तो उसका मतलब है कि उसने डबल पॉइंट्स अर्न करे, तो उसके भी वो डबल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, चार प्लेयर है, 4 × 8, तो मतलब 26 पॉइंट निकाल सकते हैं वो एक बेहतर क्लच के। तो ये रहेगा गाइस, अब और मजा आएगा। अभी तो चलो आपने पावर प्ले देखा, पावर प्ले तो आपका फिनाले तक भी रहेगा, इतना तो मुझे पता है। हाँ एक तो ये रहा, ये कोच है भाई वॉल लॉर्ड, ठीक है। तो ये एक तस्वीर, कल एक स्टोरी, और मुझे लग रहा है कि वो भाई तैयार बैठे हुए हैं। सी हिम टुमारो लीडिंग द 3 मैच लैड्स, इफ यू गेट अ सेकंड चांस सिस्टम यू विल गेट टू सी। ओके तो भाई चांसेस ये भी हो सकते हैं फिर गाइस, जैसे मैं वापस से आपको बताया भी, गॉडलाइक अपडेट ने भी ये चीज डाल रखी है अपने में उसमें, ठीक है। इफ यू गेट अ सेकंड चांस फ्रॉम वोटिंग सिस्टम देन यू विल गाइस सी दिस कंफर्म लाइनअप फ्रॉम टुमारो, पंक एज आइजल, जोनाथन, एडविनो एंड ज़ीगॉट। तो ये इसीलिए मेरे ख्याल से शायद वोट काउंट्स और फिर ज्यादा बढ़ गए, जो डाइवर्ट होने वाले थे किसी और को वापस से उन्होंने पंक की आइजलिंग में शायद गॉड अच्छा खेले। मुझे भी उम्मीद है कि अब कुछ बदलाव होंगे और वो बदलाव सही से चलेंगे, होप्स हैं।